अस्सलामुअलैकुम डियर फिश फार्मर्स, ये मेरा एक पॉन्ड है ऑलमोस्ट कोई 15,000 लीटर्स का फिशेज उसमें रखी हुई थी। मैंने कुछ दिन पहले मैंने फील किया कि यहाँ थोड़ी सी लीकेज है, तो पॉन्ड को खाली किया, फिशेज निकाली सारी की सारी। अभी आज मैंने इसको चेक किया, चेक करने में ये पता चला, ये जो मैंने समाध से सारे का सारा यहाँ जोड़ लगाया हुआ था ना, ये बिल्कुल ओके है। कहीं को प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब एक जोड़ यहां से है, लेकिन यहां कुछ प्रॉब्लम है। जब खाली था ना, शायद को कुत्ता वगैरह इसके अंदर आया है, उसकी वजह से यहाँ ये प्रॉब्लम है। यहाँ भी सब ठीक है, एक जगह से यहाँ इशू था। यहाँ मैंने लगाया है सोल्यूशन, लगाया है सिलिकॉन, और उसके ऊपर तक बिल्कुल ओके है। अब कुत्ता जब एंटर हुआ है तो ज़ाहिर उसने कई जगह पे कमाल दिखाने थे, जहाँ जहाँ ये पंजे लगा के निकला है वहाँ ये देख रहे हैं आप सुराख है, और लीकेज उसी वजह से थी। फिर ये कॉर्नर है, यहाँ से अक्सर वो पानी वानी पीते हैं, तो ये इश्यूज हैं। यानी अगर कुत्तों का मामला नहीं है, आप उनसे बचा लें इस पॉलीथीन के सिस्टम को, तो ये ख़राब नहीं होता, लीकेज इसमें नहीं होती। अब मैंने इसको खाली किया, खाली करने के बाद जहाँ जहाँ ये कुछ मसले थे उनको सॉल्व कर दिया, उसको फिल करूंगा। तो इसके बाद लीकेज नहीं मिलेगी। ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जिनको यकीन नहीं होता कि पॉलीथीन कारामद है, और इससे आप 20-25-30 हज़ार का को टैंक बना सकते हैं। इसको खाली किया है, बनाया था पहले मैंने, तो मछली यहाँ से निकाली, निकालने के दौरान कुछ कोई एक आध दिन ये खाली रहा, तो उसी दौरान कुत्ते इसमें एंटर हुए हैं और ये मामला हुआ है। जब दोबारा भरा गया तो वाटर लीकेज थी, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने दोबारा से इसको खाली किया, चेक किया, तो जहाँ जहाँ सुराख मिले उनको मैंने बंद कर दिया, और अब उम्मीद है कि 100% ये लीकेज फ्री होगा।